राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज सुबह सुबह उठी, घर की साफ सफाई करके जैसे नहाने के लिए गई ना, तो बाथरूम में ये चोट लग गई। पूरा नेल जो है ये उखड़ गया, और इतना दर्द इस टाइम पे हो रहा था ना, आपको बता नहीं सकती। इतना दर्द, रोने लगी मैं सुबह सुबह। मैंने कहा बच्चों को भी स्कूल भेजना है, टिफिन भी बनाना है, हस्बैंड का लंच भी बनाना है, कैसे होगा? चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, और इतना पेन था गाइस, आई कांट टेल यू, इतना ज्यादा। ऐसी ऐसी चोट जो होती है ना, जैसे कोहनी कहीं लग गई, या घुटना कहीं लग गया, या नेल उखड़ गया, ये चीजें, मतलब ये जो चोट है ना, बड़ी तकलीफ देती है। इसमें से बहुत ब्लीडिंग हुई, और ये पूरा ना मैंने छुआ ही नहीं इसको, एज इट इज चिपकाने की कोशिश करी कि ये ऐसी स्टिक हो जाए। बट आज का पूरा दिन कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, बहुत ही पेनफुल होती है ऐसी चोटें। तो लंगड़ाते हुए काम वाम करके आ गई हूँ मैं फ्रिज के पास, क्योंकि मुझे बनाना है हस्बैंड का लंच, और मन मतलब बिल्कुल नहीं है कुछ करने का, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही। पर हाँ, कुछ चोट ऐसी होती है जो लग जाती है। तो बस अब मुझे बनाना है हस्बैंड का लंच, बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने, तो आज उन्होंने करी है कुछ स्पेशल सी फरमाइश। फरमाइश भी नहीं करी, बस ऐसा कहा कि कुछ अच्छा सा बना देना आज। मैंने कहा ठीक है, तो मैं एक फटाफट वाली रेसिपी आपको दे रही हूँ। हालांकि उन्होंने तो कहा ही नहीं कि लंच बना दो, उन्होंने कहा मैं खा लूंगा ऑफिस में। मैंने कहा नहीं यार, मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं, पैर में चोट लगी है, हाथ में नहीं, खाना तो बनाना ही है। अब नहीं बनाऊंगी तो बाद में बनाना है, बनाना तो पड़ेगा ही, और फिर मेरे रहते हुए बाहर खाओगे ये अच्छा नहीं लगता। प्लस वो थोड़े से खाने के मामले में एकदम सिंपल खाना पसंद करते हैं, बाहर बाहर का खाना कम ही पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट वाली एक रेसिपी बनाती हूँ। तो जिसके लिए मैंने कुछ टमाटर और शिमला मिर्ची कट कर ली है। एक पैन में मैंने डाला है बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ही थोड़ा सा नाम मात्र के लिए। इसे अच्छे से गर्म करके इसमें एक तेजपत्ता, दो हरी इलायची, एक मोटी इलायची और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर इन्हें 30 सेकंड के लिए मध्यम आंच पर भूनकर ये टमाटर और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। तो तीन बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने, चूंकि सावन चल रहा है तो लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए टमाटर मैंने तीन बड़े साइज के लिए हैं। साथ में थोड़ी हल्दी और नमक स्वाद के हिसाब से डाला है। कुछ काजू मैंने भिगो दिए थे, तकरीबन 15 से 20 काजू हैं ये। साथ में दो सूखी लाल मिर्ची भिगोई थी, काजू अच्छे से भीग चुके हैं। इन्हें एक घंटा आपको भिगोना ही है कम से कम, आप रात में भी इन्हें भिगो के फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे। डायरेक्टली आप पानी में भिगो कर डालेंगे या कच्चे डालेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो इस तरीके से आता है। अब मैंने उस टमाटर को पकने के लिए छोड़ दिया, तब तक मैंने 200 ग्राम पनीर कट कर लिया है। तो जैसे सुबह सुबह आपको हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो, घर में कोई आ रहा है, आपको बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना है, तब आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके थे, इसमें से मैंने सारे खड़े मसाले निकाल दिए, बस इसमें मैंने हरी इलायची छोड़ा है, उसको छोड़ना है आपको, वो नहीं निकालना है। और देखिए आज का दिन ही खराब है, अभी मुझे सब पता है कि ये गर्म होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे हाथ से छू लिया और उंगली में भी छाला आ गया। तो पता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि सार ऐसा लगता है कि आज का दिन तो बिल्कुल बेकार है, तो आज ऐसे ही है। मुंह पे भी बहुत ज्यादा चोट आ गई मेरे, आप देख सकते हैं एक तरफ ये मेरे हल्की सी ना चोट लग गई है मुंह पे भी। तो मैंने क्या किया, अभी कढ़ाई रख दी है वापस से, और ये मैंने गव्या मार्ट का एकदम प्योर गाय का घी मंगवाया है, बहुत ही शानदार टेस्ट है इसका, आज मैं सारा खाना इसी में बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया, मैं बता नहीं सकती, इतना शानदार घी है ये, बहुत ही अच्छा। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी आपको, अमेजन से आप इसे परचेस कर सकते हैं, लिंक में दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो। तो मैंने थोड़े से 7-8 काजू इसमें डाले और इन्हें स्लो फ्लेम पर घी में, मैंने शुद्ध घी में भूनकर बाहर निकाला, और ये मसाला मैंने फैन में रख दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और मैं बस घड़ी में टाइम देख रही थी कि टाइम इतना है कि मैं खाना अच्छे से बना लूं, तो समय अभी है मेरे पास, मैं फटाफट इसे बना दूंगी। मसाला मैंने जल्दी से ठंडा करके इसे मिक्सी के जार में डाला, छोटे वाले जार में। साथ में मैंने 3 से 4 छोटे छोटे पनीर के टुकड़े डाले और थोड़ा सा पानी डाला, 2 से 3 चम्मच, और इसको एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बनाना। मैं यहाँ पर ये रेसिपी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, अगर आप प्याज इसमें ऐड करना चाहते हैं तो टमाटर के साथ प्याज ऐड कर देना, जितने टमाटर है उसका हाफ अमाउंट में प्याज डालकर पका लीजिएगा, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना। अब इस घी में मैंने शिमला मिर्ची काटा है बड़े बड़े टुकड़ों में, इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। भाई ये भी चट चट की आवाज़ निकाल रही थी, इसने भी आज इतने छिट्टे मारे ना मुझे, आज तो ऐसा लग रहा था बस कोई चाह ही नहीं रहा कि मैं अच्छे से कुकिंग कर लूँ। फिर ये पनीर के टुकड़े मैंने इसमें डाले और फुल फ्लेम पर मैं इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट के लिए भूनूंगी, सिर्फ 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर। आप जैसे प्याज वगैरह डालना चाहते हैं तो शिमला मिर्ची के साथ प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो 2 से 3 मिनट मैंने ऐसे ही भुना पनीर के साथ इनको, फिर ये ग्रेवी जो मैंने पीसी थी ये ऐड कर दी, जरूरत के हिसाब से मैंने पानी डाला, फिर मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर जरूर डालना है इसमें, कसूरी मेथी, रंग देखिए कितना अच्छा आया है।
और एक चम्मच चीनी। हल्की मिठास की सब्जी है, बहुत शानदार बनती है। और दो चुटकी मैंने इसमें डाला है इलायची का पाउडर, जरूर डालिएगा। और नमक हमने पहले डाल दिया था टमाटर में, तो इस टाइम पर नमक आप थोड़ा सा देख कर ही डालें, मैंने तो नहीं डाला था, परफेक्ट था। अब मैंने एक टेबल स्पून डाला है शाही बटर मसाला। ये देखिए शाही पनीर मसाला है, ये भोज ब्रांड का है, बिना लहसुन प्याज के मसाले बनाते हैं ये, इसलिए मैं इनसे मसाले लेती हूँ, क्योंकि सावन का महीना हो या तीज त्यौहार हो आप आसानी से मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें घर की ताजी मलाई डाल दी है दो चम्मच और अच्छे से मिक्स कर दिया। फ्लेम एकदम लो है, यहाँ पर ये भी छींटे मारेगी, ध्यानपूर्वक काम करिएगा। कोई जो ढक्कन वगैरह होता है उसको ले लें आप, उसको लगा लें, अदरवाइज छींटे लग सकते हैं। अब थोड़े से मैंने इसमें मखाने डाले हैं और भुने हुए काजू जो थे हमारे वो डाले, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली, अच्छे से मिलाया और ढक्कन लगाकर मैं इसे 2 से 3 मिनट पका लूंगी। इसे ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा घी और मैं ऊपर से डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी या फिर धनिया, धनिया था फ्रिज में पर अभी वही है ना कि लंगड़ापन हो रहा है भैया, बार बार जाने की हिम्मत नहीं है, मैंने कहा जैसे भी एडजस्ट करके खाओ आज। लेकिन गाइज आई कांट टेल यू, रेसिपी इतनी शानदार बनी थी, आप एक बार बनाओगे तो हर बार बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। बिना लहसुन प्याज की इतनी शानदार सब्जी आपने आज से पहले नहीं खाई होगी, ये मेरी आपको ओपन गारंटी है, आप इसे ट्राई करिएगा। अब चावल बनाए हैं मैंने, थोड़ा सा चावल को अलग से मैंने उबाल के रख लिया था, तो मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला, तेज पत्ता डाला, जीरा डाला, उसमें चावल डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया। एंड लुक एट द सब्जी, कोई कहेगा बिना लहसुन प्याज के इतनी शानदार बनी है ये, आई हैव नो वर्ड्स। आप इसे ट्राई करोगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर भोज ब्रांड का शाही पनीर मसाला डाला है, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो इनके मसाले आप ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, अमेजोन वगैरह पे भी मिल जाएगा आपको। और ये देखिए हमारी सब्जी, इसको टिफिन में इसी तरीके से गार्निश कीजिएगा, हल्का सा आपको इस पर घी डालना है और ये क्या कहते हैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल देनी है। तो चावल बना दिए हैं, रोटी बना दी है, साथ में सैलड वगैरह कट कर दिया है मैंने, और अब मैं फुलके बना रही हूँ। तो 4 से 5 फुलके बनाने हैं मुझे, टिफिन में उनके 3 ही देने हैं और चावल तो बस मैं जरा सी दूंगी। दरअसल मुझे सब्जी के साथ राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सुबह सुबह राइस ही बना लिए। मैंने कहा आज तो वैसे भी मैं पेशेंट बन गई हूँ, चोट लग गई है, तो सारा खाना भी बना लेंगे फिर फुर्सत। बाहर के भी मुझे इतने काम हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन आज कुछ नहीं हो पाएगा। इवन आज मुझे बाहर जाना था किसी काम से, पर मैं ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि क्लच वगैरह नहीं दबाया जाएगा, पैर से ब्लड आएगा मुझे पता है। तो बस यहाँ पर मैंने ये फुलके भी बना लिए, देखिए कितनी बढ़िया रोटी बन रही है हमारी सारी फुली फुली। बढ़िया रोटी बनाने के लिए, सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए हमेशा आटा जब आप लगाएं उसे सेमी सॉफ्ट लगाएं, स्पेशली रोटी और पराठों के लिए, और उसे 15 मिनट का रेस्ट जरूर कराएं। उसके बाद आप फुलके या रोटी या पराठे कुछ भी बनाएंगे बहुत शानदार बनेंगे। और जब आप टिफिन में रोटी देते हैं तो मेक श्योर कि रोटी दिखने में अच्छी होनी चाहिए, फुली फुली होनी चाहिए और घी लगी हुई रोटियां दें, उससे क्या है वो नरम रहती हैं, मुलायम रहती हैं, और जब सामने वाला बंदा टिफिन खोलता है तो खाने की इच्छा भी आती है। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से घी लगाया इनके, और इस घी की खुशबू भी बहुत शानदार है, टेस्ट तो कहना ही क्या, आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। गव्या मार्ट ब्रांड का है ये, मैंने ट्रायल बेसिस के लिए मंगवाया था एंड दिस इज अमेजिंग। अच्छी चीजों का मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि काफी सारी महिलाएं बोल रही थी कि अच्छे घी का रिव्यू देना, इसलिए मैंने घी मंगवाया है और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। तो बस यहाँ पर हमारी रोटियां भी तैयार है, हमारे चावल भी तैयार है, और ये जो घी है ना, कहते हैं कि जो अच्छा और शुद्ध घी होता है वो औषधि की तरह होता है। ये देखिए इस पर सारे गुण लिखे हुए हैं, कुछ कुछ लिखा हुआ भी संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं, तो एकदम औषधि के रूप में आप इस घी को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दिन 1 चम्मच खाएंगे तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे गारंटीड। तो बस ये बिलोना प्रोसेस से बनाया जाता है, ये कोई मशीन प्रोसेस से नहीं, बिलोना प्रोसेस जो पहले हमारे घरों में औरतें करती थी उस प्रोसेस से बनता है। तो बस यहाँ पर देखिए खाना हमारा बनकर तैयार है, इस तरीके से मैंने हस्बैंड के टिफिन में दिया, तो थाली आप इस तरीके से लगा सकते हैं अगर आप लंच या डिनर में प्लान कर रहे हैं। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये, आप इसे ट्राई करिएगा, और जब आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो कोई नहीं कहेगा कि इसमें लहसुन प्याज की कमी है, इनफैक्ट आप हर बार ऐसी बनाएंगे। इतना क्रीमी टेक्सचर है इस जो हमारी ग्रेवी है इसका, और पनीर इतना सॉफ्ट है, बनाने का तरीका देखा आपने कितना सरल है, सुबह की भाग दौड़ो या अचानक से कोई आ जाए आप फटाफट इसे बना सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है काजू वगैरह भिगोने का, अचानक से कोई आ गया तो काजू को पानी में, गर्म पानी में भिगो के रखो, आप आराम से सब्जी बन जाएगी। तो चावल के साथ मुझे पर्सनली ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आप एक बार से चावल के साथ ट्राई करना, और अगर आप प्याज खाते हैं तो साथ में प्याज जरूर लेना, और तब देखना कितना शानदार कॉम्बिनेशन है।
तो वैभव स्कूल से आ गया था, मैं उसको दिखा रही थी अपना पैर, मैंने कहा बेटा देख आज मुझे कितनी चोट लग गई। वैभव ने करी थोड़ी सी यहाँ पर ओवर एक्टिंग, ओ मम्मा मेरे से देखा नहीं जा रहा, और मेरी टी शर्ट पहन के खड़ा है वो भी उल्टी, मैं उसको डांट रही हूँ कि सीधी टी शर्ट पहन ले भाई, ये क्या कर रहा है तू, तो उसके क्या ही बोलूं। और आज मुझे बहुत काम था, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरे को बाहर जाना था, ड्राइव करना था, जैसे छोड़ने जाती हूँ सुबह तो अभी लेने भी जा रही थी क्योंकि बहुत धूप है, देखो कितनी गर्मी है। वेदर बहुत अच्छा था लेकिन फिर से ही हो गया, और मेरे आज सुबह से इतना दिमाग खराब है, मैं चल ही नहीं पा रही, मेरे को गाड़ी भी लेके जाना था आज, बेसिकली कार खड़ी हुई है तो हर 7 से 8 दिन में मेरे को उसको चलाना ही है, तो मैंने सोचा भैया कैसे चलाऊंगी, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर मॉर्निंग से कि आज मेरे को जाना ही है, लेकिन जो हुआ मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पैर में ना इतनी जोर से लगी है ना आज, इतनी जोर से लगी है ना कि मेरा पूरा का पूरा नेल उखड़ गया, और अब इसमें चल ही नहीं पा रही हूँ मैं, काम कर रही हूँ। तो सुबह चोट लगी थी और दोपहर तक देख सकते हैं आप इसकी हालत कैसी है, इसमें से ब्लड रुक ही नहीं रहा था और पट्टी वगैरह मैंने लगाई नहीं, मैंने कहा जितना खुला रहेगा उतना जल्दी सूखेगा। और ये भाई मेरे दोनों पैरों की हालत, एक्सीडेंट के बाद वैसे भी मेरे पैर नॉर्मल नहीं है सब लोगों की तरह, थोड़ा सा अब नॉर्मल है, लाइक वॉक करने में भी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल जब मैं चलती हूँ तो आपको पीछे से पता चलेगा कि पैर में कुछ दिक्कत है, स्पेशली उल्टे वाले में। और मेरे 3 उंगलियां टूटे थे उल्टे पैर के, और सीधे पैर का ही अंगूठा टूटा था, और आज फिर से चोट लग गई। एनीवेज़,